आपको लव किसी से होता है तो कौन सा नंबर अटैक करता है आपका डेट ऑफ बर्थ का, कि लव मैरिज होता है और अरेंज मैरिज भी होता है। बिना नंबर को एक दूसरे के नंबर सपोर्ट करता है तभी जाके लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपका होगा। और यह जोड़ा स्वर्ग में लोगों ने, पंडित ने, बड़ा बड़ा विद्वानों ने कहा कि जोड़ा स्वर्ग लोक में बनता है और जहाँ जोड़ा रहता है वहीं शादी होता है, चाहे वहीं लव मैरिज होता है। तो कौन सा भाषा में वो लिखा हुआ है, तो चलिए लोसो ग्रिड के हिसाब से हम इस भाषा को समझते हैं और देखते हैं डेट और बर्थ से कि अरेंज मैरिज आपका होगा कि लव मैरिज होगा, इसका बात का खुलासा आज हम करेंगे आपका डेट और बर्थ से। एगो डेट और बर्थ भी लिए हैं और चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, आपको आसान हो जाएगा किसी से लव करने में और किसी से अरेंज मैरिज करने में आपका आसान हो जाता है। और इसी में जब नंबर एक दूसरे से नहीं मैच करता है, आज शादी हो जाता है चाहे लव मैरिज हो जाता है, तो वो व्यक्ति को बीच में छोड़ा छोड़ी हो जाता है और संबंध खराब हो जाता है। तो चलिए इस बात को जानते हैं इस वीडियो में और शुरू से अंत तक बना रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा। चलिए आज समझते हैं नंबर से। एक डेट और बर्थ मेरे पास है, एक लड़का का एक लड़की का। ये डेट और बर्थ लड़का का है और ये डेट और बर्थ लड़की का है। और डेट और बर्थ को टोटल को जोड़ना है, टोटल को जोड़ा यहाँ पर तो 31 नंबर निकल के आया है। और लड़की का डेट और बर्थ को जोड़ा है यहाँ पर तो 27 नंबर टोटल भाग नंबर निकल के आया है। इसका 31 आया, उसका भाग नंबर 27 आया है। 27 को आपस में जोड़े तो यहाँ 9 नंबर भाग नंबर निकला और यहाँ 31 को जोड़ा तो यहाँ भाग नंबर 4 निकला और इनका मूल अंक 9 है। 7 और 2 को जोड़ा तो यहाँ 9 मूल अंक आ गया और इनका लड़का का मूल अंक 9 है और भाग अंक 4 है। और लड़की का भाग मूल अंक 4 है और भाग अंक 9 है। तब ये बच्ची पूछी से कि मेरा लव मैरिज लड़का से होगा कि नहीं, तो चलिए इसको हम बीच में कभी खुलासा करेंगे चाहे लास्ट में खुलासा करेंगे। पहले टोटल नंबर को हम लोग समझ लेते हैं सभी के लिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज के लिए हम वीडियो बनाए हैं तो सभी लोग ये समझ सकते हैं कि जब तक नंबर आपका जाके एक दूसरे को नंबर से टच नहीं करेगा, जब तक आपका नहीं लव मैरिज होगा ना अरेंज मैरिज होगा, अगर शादी हो भी जाता है तो आपको साल दो साल में आपको छोड़ा छोड़ी हो जाएगा और तलाक के नौबत आ जाएगा। तो चलिए हम इस डेट और बर्थ से समझते हैं। मूल अंक 1 वाले के लिए, अगर मूल अंक आपका 1 आता है तो भाग अंक 1 वाला से आपका लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज हो सकता है। अगर यहाँ पर मूल अंक 4 आता है तो भाग अंक अगर 1 यहाँ पर आएगा तब फिर भी आपका शादी हो जाएगा और चाहे लव मैरिज हो जाएगा, आप एक दूसरे को करीब आ जाइएगा, चाहे मूल अंक हो चाहे भाग अंक हो, बाकी नंबर अटैक होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 वाले को, मूल अंक 1 वाले को भाग अंक 1 वाला से भी शादी होगा, कोई नंबर मिलना चाहिए चाहे भाग अंक हो चाहे मूल अंक मिलना चाहिए। और 1 वाले को 2 वाले से भी शादी हो सकता है, बाकी वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। और 1 वाले को 4 से शादी हो गया, जैसे मूल अंक 1 और भाग अंक 4 है, तो अगर शादी हो जाएगा तो दोनों नंबर सिक्का के एक ही पहलू है, खूब अच्छा उनका पारिवारिक जीवन चलेगा। अगर 4 नंबर मूल अंक है अब भाग अंक 1 है तो फिर भी इनका पारिवारिक जीवन चलेगा, दोनों सिक्का के एक ही पहलू है। और 1 भाग अंक 1 है और मूल अंक भी 1 है, फिर भी आपका शादी होगा तो अच्छा जीवन चलेगा, चाहे यहाँ पर भाग अंक 1 है और लड़का के भी भाग अंक 1 है, फिर भी आपका शादी होगा तो अच्छा जीवन चलेगा। दोनों नंबर चाहे मूल अंक में हो चाहे भाग अंक हो, दोनों अटैक करना चाहिए। अब चलिए
मूलांक दो वाले और भाग अंक दो वाले के बारे में। अगर मूलांक आपका दो है और भाग अंक आपका दो है, चाहे भाग अंक आपका सात भी आएगा भाग अंक, तो मूलांक दो वाले से सात अंक, मूलांक सात भी आएगा तो होगा, भाग अंक सात भी आएगा तो आपका शादी हो जाएगा। इसलिए कि मूलांक भाग अंक दोनों पट्टी अगर अदल बदल भी नंबर है फिर भी शादी होगा, ताकि नंबर वही रहना चाहिए। मान के चलिए कि यहाँ पर सात है तो सात नंबर यहाँ पर है मूल अंक और यहाँ पर दो अंक है भाग अंक, फिर भी शादी आपका होगा। तो यहाँ फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर मूल अंक दो है तो दो वाला से शादी होगा और सात वाला से शादी होगा, भाग अंक जिनका सात आता है, चाहे तो मूल अंक भी सात आएगा तो शादी मूल अंक वाला से होगा। यहाँ मूल अंक दो है और मूल अंक सात भी लड़का के आ गया तो शादी होगा, चाहे भाग अंक सात आ गया तो शादी होगा। अब चलते हैं तीन वाले के लिए। तो तीन वाले के लिए तीने वाला जिनका मूल अंक तीन है और जिनका भाग अंक तीन है तब शादी हो जाएगा। जैसे लड़का का भाग अंक तीन आ गया और लड़की का मूल अंक तीन आ गया तो शादी होगा, तो कोई ट्रेबल नहीं होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। चाहे तो लड़की का भाग अंक आ गया यहाँ पर तीन और लड़का का मूल अंक आ गया तीन, और चाहे तो लड़की का मूल अंक हो गया तीन और लड़का का मूल अंक हो गया तीन, फिर भी शादी होगा। कोई नंबर भाग नंबर चाहे मूल अंक उससे अटैक करना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। अगर तीन वाले को चार वाला से हो जाएगा तो नुकसान देने लगेगा, चाहे और कोई नंबर से हो जाएगा तो उनको समझिए कि पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं मूल अंक चार, चाहे भाग अंक चार आता है तब शादी नहीं करना है। यहाँ पर दोनों नंबर जब बराबर में आके खड़ा हो जाए तो देखिए, चार वाला जो होते हैं मुंह के फुहर होते हैं, कुछ भी मुंह पर बोल देते हैं और इनका मुंह ज़्यादा खुलता है। तो अगर यहाँ भाग अंक चार से टकरा रहा है और चार यहाँ भी है तो नहीं शादी करना चाहिए, ऐसे दोस्ती चलेगा। बाकी शादी आप कीजिएगा तो आपका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, इसलिए कि दोनों का मुंह खुलता है और दोनों बोलने से मानिएगा नहीं, इसके वजह से थोड़ा सा आपको जीवन ठीक नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मूल अंक जिनका चार हो चाहे भाग अंक चार हो, तो देखना है कि अगर मूल अंक उनका वन आता है चाहे भाग अंक कोई चार आ रहा है तो मूल अंक लेके चलिएगा, चार को छोड़ दीजिएगा। अगर दोनों नंबर आपका चारे आ रहा है, जैसे मान के चलिए कि मूल अंक भी चार है और भाग अंक भी चार है आपका, तब वहाँ पर विकल्प बचा हुआ है कि वहाँ पर आप दो अंक और एक अंक, जैसे आपका मूल अंक यहाँ पर हो गया चार तो एक अंक वाला से शादी कर दीजिए, चाहे दो अंक वाला से शादी कर दीजिए। अगर यहाँ पर भाग अंक आ रहा है चार तो मूल अंक एक वाला से शादी कर दीजिए, चाहे मूल अंक दो वाला से आप शादी कर सकते हैं, बाकी चार से शादी नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मूल अंक ही आता है या भाग अंक आता है, तो किसी के यहाँ पर चार आता है और यहाँ पर किसी का दो आ गया, तो चार वाला को लेकर नहीं चलना है, दो वाला को लेकर चलना है। अगर चार वाला को लेकर चलिएगा तो यहाँ वन वाला से आपको शादी करने पड़ेगा, चाहे दो अंक वाला से शादी करने पड़ेगा। अब चलते हैं पाँच अंक के बारे में बताते हैं। जैसे जिनका मूल अंक पाँच हो चाहे भाग अंक पाँच हो, यहाँ पर मूल अंक पाँच हो चाहे भाग अंक पाँच हो, दोनों में से कोई नंबर अटैक करेगा, चाहे मूल अंक से भाग अंक में अटैक करे चाहे भाग अंक से मूल अंक में अटैक करे, तभी आपका जीवन साथी लव मैरिज अरेंज मैरिज होता है। अगर नंबर सेटिंग नहीं किया तो वही आपको विवाहित जीवन आपका सही नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर पाँच अंक वाले के लिए हम बताते हैं, पाँच अंक वाले के लिए पाँच अंक से शादी होना चाहिए। जैसे यहाँ मूल अंक पाँच है तो यहाँ भाग अंक पाँच वाला से होना चाहिए, चाहे मूल अंक पाँच है तो मूल अंक पाँच वाला अगर वहाँ मिल गया तो मूल अंक पाँच वाला से भी शादी हो सकता है, और उसके बाद छः अंक वाला से शादी होगा। जिनका भाग अंक चाहे मूल अंक छः होगा तो उनसे आपका शादी हो जाएगा पाँच अंक वाले के लिए। अब चलते हैं छः अंक के बताते हैं। जिनका मूल अंक छः हो और जिनका भाग अंक छः हो, चाहे भाग मूल अंक छः आ जाए और भाग अंक छः आ जाए,
दोनों में से कोई आ जाए, चाहे भाग और चाहे मूल अंक 6 आ जाए, तो 6 वाले को 6 से शादी होगा। जैसे मूल अंक 6 है तो भाग अंक 6 वाला से शादी होगा, चाहे भाग अंक 6 वाला को मूल अंक 6 वाला से शादी होगा, चाहे उनका मूल अंक 6 आता हो आपका भी मूल अंक 6 है तो आपका शादी होगा। उसके बाद दो नंबर आव है, मूल अंक 6 वाले के जो है 5 अंक से भी शादी हो जा सकता है, 6 अंक वाला से भी शादी हो सकता है। जैसे 5 या 6 मूल अंक जिनका आता हो, चाहे भाग अंक आता हो, तो 6 वाला से शादी होगा। अब चलते हैं 7 नंबर वाले के, जिनका मूल अंक चाहे भाग अंक 7 आता है तो उनका शादी होगा 7 वाला को 7 से, न तो 1 से और न तो 2 से। अगर 7 वाला को 7 से शादी कर लिया जाए और चाहे 7 और 2 से शादी कर लिया जाए, जैसे 2 वाला से ज़्यादा इसका गहरा संबंध रहेगा, दोनों सिक्का के एक ही पहलू है, अगर 7 वाला के 2 से शादी हो जाता है तो समझ लीजिए कि इनका जीवन बहुत बढ़िया जाएगा। 7 नंबर और 2 नंबर सिक्का के एक ही पहलू है और 1 वाला से भी शादी कर सकते हैं। अगर मूल अंक 7 आता हो, चाहे भाग अंक 7 आता हो, तो 2 अंक वाले जिनका भाग अंक 2 आए चाहे मूल अंक 2 आए, दोनों मैच कर जाएगा। आपका मूल अंक 2 है और भाग अंक यहाँ 7 आ रहा है तो आपका शादी होगा, तो अच्छा जीवन साथी आपको अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मूलांक चाहे भाग अंक 8 वाले के लिए, तो अगर आपका डेट और बर्थ में भाग अंक और मूलांक, जैसे यहाँ पर भाग अंक आ गया 8 और यहाँ पर मूलांक आ गया 8, तो 8 वाले से 8 वाले को शादी नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कि 8 जो होता है 8 दुश्मन होता है, 8 वाले 8 वाले से शादी कर लेंगे तो इनका मैरिज लाइफ चाहे तो शादीशुदा लाइफ जो है अच्छा नहीं चलेगा और इनको दिक्कत के सामना करने पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर इनको देखना है कि हमको 8 अंक आ रहा है तो हम कौन सा नंबर वाले से शादी करें। तो अगर अगर आपका भाग अंक 8 आ रहा है और मूल अंक कोई और नंबर आ रहा है, जैसे 1 नंबर आ रहा है, चाहे 3 नंबर आ रहा है, चाहे 5 नंबर आ रहा है, चाहे 6 नंबर आ रहा है यहाँ पर मूल अंक, तो मूल अंक से चलिएगा। अगर भाग अंक मूल अंक 8 आ रहा है, भाग अंक कोई और आ रहा है आपका, तो भाग अंक मान के चलिए 1 आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है, चाहे 3 आ रहा है, चाहे 4 आ रहा है, चाहे 5 आ रहा है, तो आपको यहाँ भाग अंक से आप अपना मिलाइएगा जैसे वीडियो में बताए हैं। अगर नहीं आ रहा है, दोनों ठगा आपका 8 आ जा रहा है, तब यहाँ पर जब दोनों मूल अंक भी 8 और भाग अंक भी 8, तो यहाँ बीच का विकल्प खोजिएगा, 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर वाला से शादी आप कर सकते हैं। आई जीवन में आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज इससे होगा। अब 4 वाले को 4 से शादी नहीं करना है, ऐसे 4 वाले दोस्ती के लिए ठीक है, बाकी मान के चलिए कि अगर 4 वाले के 4 से शादी करा दिया जाए तो ये दोनों का मुँह फुहर होता है, ज़्यादा बोलता है और मुंह पर बोल देता है, इस समझिए कि दोनों लीडर का नंबर है, तो इनको चाहिए कि 1 और 2 से शादी करें। अब आ जाते हैं 9 नंबर, तो 9 नंबर वाले को 9 जिनका मूल अंक 9 आता है और भाग अंक लड़का का 9 आ गया, चाहे लड़का का मूल अंक 9 है और लड़की का भाग अंक 9 है तो शादी हो सकता है, और चाहे तो लड़का का 6 नंबर भाग अंक हो चाहे मूल अंक हो, तो फिर भी 9 नंबर वाले को शादी होगा। इसलिए होगा कि 9 नंबर वाले को 9 नंबर और 6 नंबर से शादी होगा, तो इनका मैरिज लाइफ चाहे शादीशुदा लाइफ अच्छा गुजरेगा। अब यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि 8 वाले को 8 से नहीं होगा, 4 वाले को 4 से ना करें, और 8 और 4 वाले को विकल्प बीच का ढूंढें, जैसे 1, 3 और 5 और 6। अब चलते हैं जिनका हम डेट और बर्थ लिए हैं, जो महिला का डेट और बर्थ भेजिन है, उनका डेट और बर्थ वो हम देखते हैं। देखिए, ये लड़का का डेट और बर्थ है तो ये लड़का बहुत तेज दिमाग का है और लड़की भी बहुत तेज दिमाग का है, और इनका लड़की का मूल अंक
चार आता है और भाग अंक नाइन आता है, और लड़का का मूल अंक नाइन आता है और भाग अंक चार आता है। तो ये दोनों सोच रहे हैं कि अपने में लव, जब लव मैरिज करते हैं तो हम शादी अपने करें, तो जब ये शादी करेंगे तो इनका जीवन क्या होगा, इनसे अरेंज मैरिज लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जब तक आपका नंबर नहीं मिलेगा जब तक अरेंज मैरिज भी नहीं हो सकता है, नहीं लव मैरिज हो सकता है और नहीं किसी से दोस्ती हो सकता है। कभी कभी देखे होंगे कि फिल्म भी दिखाता है कि उसमें गहरा दोस्ती होता है, एक दोस्ती दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान दे देता है, इसी तरह से नंबर मिलता है तभी होता है। भाग अंक से भाग अंक अटैक करें चाहे मूल अंक से मूल अंक अटैक करें, चाहे मूल अंक और भाग अंक अटैक करें, दोनों नंबर सेम होता है तभी होता है। आप अगल बगल पड़ोस में देख लीजिएगा, ये नंबर आपका जाके फिट रहेगा। जैसे भाग अंक पाँच है तो मूल अंक पाँच वाले से देखिएगा कि अटैक बढ़िया होगा, इसी तरह से आप भी उदाहरण ले सकते हैं। नंबर जो होता है, जैसे माँ अपने पेट में बच्चे को 9 महीना रखता है, इसी तरह से 9 नंबर आता है। आप आगे के भी नंबर जोड़िएगा तो 11 का भी 2 आ जाएगा और 31 का भी 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से 9 नंबर जो है रिपीट होते जाता है, ऊपर में है आपका जितना 100 200 400 बनाना है यही नंबर आपका 9 को चलते जाएगा। और बच्चे भी होते हैं तो 9 महीना बाद ही होते हैं, 9 का सर्किल चलते रहता है, इसीलिए हमारे जीवन में नंबर काम करता है। तो अब चलिए ये जो महिला हमारे पास डेट और बर्थ भेजी है इनके बारे में बताते हैं। इन महिला जो डेट और बर्थ भेजी है तो इनका डेट और बर्थ से हमको लगता है कि बहुत दिमाग के तेज है और बहुत तेज तराज है, आप बोलने में भी ये तेज है, एक लीडर के तरह ये बोलते हैं। और यहाँ लड़का को देखते हैं जिससे वो मैरिज करता है, प्यार मोहब्बत करता है, तो वो लड़का का 9 नंबर है और इनका भाग्य नंबर 4 है। तो ये भी बहुत तेज तराज है, दिमाग के बहुत तेज है, और समझ लीजिए कि ये भी थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं और गुस्सा भी करेगा तुरंत शांत भी हो जाते हैं। तो ये दोनों का नंबर में भी गुस्सापन भी है, मुंह का भी फुहार है, दोनों व्यक्ति हैं। तो इनका नंबर कैसे ये दोनों करीब आए और लव मैरिज इनका कैसे हुआ? अब लव मैरिज तो अभी नहीं हुआ, अभी लव हुआ है। तो जब इनका लव हुआ है, प्यार हुआ है, तो सोच रहे हैं कि शादी हम करके घर बसाएं। तो इनका हम नंबर देखते हैं यहाँ पर भाग नंबर, देखिए यहीं से हम सारा सिस्टम को आप समझ लीजिएगा जो हम बताया है। देखिए इनका भाग नंबर 4 आया है और मूल अंक 4 आया है इनका। लड़का का भाग नंबर 4 है और लड़की का मूल अंक 4 है। आई दोनों नंबर जाके अटैक किया तो एक दूसरे के करीब ही आए और प्रेम करने लगे। अब देखिए 9 नंबर भी इनका अटैक करा, 9 नंबर इनका मूल अंक 9 है तो इनका भाग अंक 9 है। तो जब 9 और 9 से मिला तो जब इनका प्यार मोहब्बत हुआ, एक दूसरे से जीने मरने का कस्में खाने लगे। तो 9 नंबर भी इनका मिल रहा है और जैसे मूल अंक और भाग अंक मिल रहा है, यहाँ भाग अंक और मूल अंक भी मिल रहा है, तो इनका लव मैरिज शादी होगा, ये एक दूसरे के लिए बने हैं। तो समझ लीजिए कि इनकी शादीशुदा अच्छा जीवन गुजारेंगे। बाकी दोनों थोड़ा सा मुंह के फुहर है, ये थोड़ा सा गुस्सा वाला है, मुंह के फुहर है, लड़की मुंह के फुहर है और ये लड़का थोड़ा सा गुस्सा वाला है। तो इनको शादी के बाद जो है थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, अपने में तुतु में होगा, बाकी इनको अपने आप को संभाल के रखना है, थोड़ा सा मैनेज करके इनको शादी के बाद चलने पड़ेगा। इसलिए कि शादी के बाद थोड़ा सा न थोड़ा सा इनको जो है से बैड रिलेशनशिप थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए कि 6 नंबर नहीं है इनका, तो थोड़ा बहुत इनको मैनेज करके चलेगा, बाकी शादीशुदा जिंदगी इनका अच्छा गुजरेगा। इसलिए कि दोनों को नंबर इनका जो है से मिलता है, इनको दोनों का नंबर जो है लड़का का भी लड़की का भी नंबर अटैक करता है, और इसी तरह से आपका जीवन में अटैक करेगा तो आप शादीशुदा लव मैरिज कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।